नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। साथियों, कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम को समझें कि कर देने के बाद इसका परिणाम हमें क्या मिल सकता है या हो सकता है। और साथियों, सब्र को रखना चाहिए। सब्र एक महान चीज है। किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति के अंदर सब्र या विश्वास नहीं है तो शायद उस कार्य में आदमी विफल हो सकता है। जो कुछ मिल रहा है या मिला है उसे उतना ही में सब्र करना चाहिए। तो साथियों, अगर जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हो, एक परेशानियां के बाद दूसरी आ खड़ी होती हो, यानी परेशानी पीछा न छोड़ता हो, एक के बाद परेशानी लगी रहती हो, तो आज इस वीडियो में इसके लिए एक जबरदस्त उपाय बताया गया है। और इन सब परेशानियों से व्यक्ति उबकर व्याकुल हो जाता है कि हम क्या करें। अभी एक परेशानी को झेला, दूसरी आ खड़ी हो गई, दूसरी को झेले, तीसरी खड़ी हो गई, तो आदमी को समझ नहीं आता कि अब इसके बाद हम क्या करें। तो मित्रों, ऐसी अगर समस्या आ खड़ी होती हो तो इस उपाय को करें। मित्रों, इस उपाय को करके अपने तकिए के नीचे रखा जाता है, यानी सोने वाली तकिए के नीचे। तो मित्रों, इसके लिए आपको सौंफ और पीली सरसों, तो सौंफ भी एक घर की मसाला है और सरसों पीली वाली भी घर का मसाला है, ये दो सामग्री लेना है। तो चलें सबसे पहले मैं सौंफ और पीली सरसों दिखा दूं। यह सौंफ है, आसानी से पंसारी के यहाँ पानों के दुकान पर आराम से मिल जाता है। मित्रों, ये देख लीजिए, इसे सौंफ बोलते हैं। और यह है पीली सरसों, जो घरों में मसाला है, ये आराम से मिल जाता है, देखिए। और एक सफ़ेद कागज ऐसे लेना है आपको, और एक चुटकी सौंफ और एक ही चुटकी आपको ये सरसों, और इसका पुड़िया बना लेना है। ऐसे पुड़िया बना लीजिए, ऐसे पुड़िया बनाकर इसको तकिए के नीचे रखना है। तो मित्रों, यह रहा सौंफ और पीली सरसों। तो अब शनिवार के दिन शाम के समय एक सफेद कागज लेकर उस कागज के ऊपर एक चुटकी सौंफ और एक चुटकी पीली सरसों को रखकर उसको अच्छी तरह पुड़िया बना लें। और पुड़िया बनाने के बाद सोते समय अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। रविवार के दिन सुबह में उठने के बाद उस पुड़िया को लेकर किसी सड़क पर चले जाएं और वहां जाकर पुड़िया को खोलकर सौंफ और सरसों को सड़क पर फेंक दें, और वहीं पर कागज को फाड़ कर भी फेंक दें। यह प्रयोग
तीन बार करना होगा, तीन शनिवार। शनिवार को तकिए के नीचे रखकर सोना है और रविवार को सड़क पर इसको फेंक देना है कागज और उसको। यह प्रयोग अगर तीन शनिवार तक कर देते हैं फिर देखेंगे आप इसका चमत्कारी प्रभाव। इस उपाय को हफ्ते में एक बार करना है, शनिवार और रविवार। और मित्रों, अगर इससे आपको फायदा नजर आता है तो कुछ दिन तक, लंबे समय तक कर दें। आपकी जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाएगी और आपका जीवन, आपका घर खुशहाल बनेगा और आप किसी भी समस्या और परेशानी, मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह ऐसा प्रयोग है। तो साथियों, आप इसे करके आजमा कर देखें। तो हम इसी तरह आपको वीडियो देता रहूंगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।